हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने शुरू किया NTSC के पेपर्स को सॉल्व करना। उसमें बिहार के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करता हूँ। बिहार इन द सेंस आप समझ सकते हैं कि ये स्टेज वन है। हम चूँकि बिहार में रहते हैं तो बिहार के बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं। वैसे और भी स्टेट्स हैं जो अपना NTSC करवाते हैं। मतलब NTSC बेसिकली दो स्टेजेस में होता है। एक स्टेज स्टेट करवाता है और दूसरा स्टेज नेशनल लेवल पे होता है। मेरी बात समझ आ रही है? और ये कंडक्ट होता है SCERT के द्वारा, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। और जो फाइनली होता है वो NCERT के द्वारा होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना, जो 2020 में पूछा गया था। 2020 के कुछ क्वेश्चन हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। नंबरिंग के हिसाब से 41 में पढ़ा है, क्योंकि और भी सेट के क्वेश्चन हैं। ये होता है स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। द यूनिट डिजिट इन द एक्सप्रेशन, क्वेश्चन है द यूनिट डिजिट इन द एक्सप्रेशन 55 रेज टू द पावर ऑफ 725 प्लस 73 रेज टू द पावर 5810 प्लस 22 रेज टू द पावर ऑफ 853 इज। ऑप्शन नंबर 1 0, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 5, ऑप्शन नंबर 4 6। ये आपका क्वेश्चन है बोर्ड में, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, यूनिट डिजिट निकालना। वैसे इसको पूरा इसका वैल्यू निकाल के यूनिट डिजिट निकालना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इसके लिए मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ। वैसे अगर आपको थ्योरी पता है तो अच्छी बात है। जैसे मैं लिखूँ 3 पे पावर 1 कितना होगा 3, 3 पे पावर 2 कितना होगा 9, 3 पे पावर 3 कितना होगा 27, 3 पे पावर 4 कितना होगा 81, 3 पे पावर 5 कितना होगा 81 इंटू 3, 3×3 = 24। आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आके फिर रिपीट कर रहा है, सॉरी जो भी है फिफ्थ में आके फिर इसका जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट कर रहा है। तो कोई भी, ये सबके लिए वैलिड है, कोई भी नंबर लें उसका जो यूनिट डिजिट होगा, उसका मतलब वो जो नंबर होगा उसका पावर 4 करने के बाद जो फिफ्थ पावर आएगा उसमें उसका यूनिट डिजिट क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो वो वाला थ्योरी हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो बात समझ आई होगी आपको। इसमें क्या करेंगे, इतना सारा पावर है सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। जैसे एक पावर है आपका 725, तो 725 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा बोलिए, 4×4 साथ में 4×3 4×8 32, 005, 4×4 1, तो क्या हो जाएगा बताइए, 725 को लिखा जा सकता है 181 इंटू 4 प्लस 1। यहाँ तक तो रिपीट करते 181 बार वहीं रिपीट करें, मतलब एक ये चौथी बार, पहली बार से पाँचवीं बार रिपीट करेगा, मतलब चौथी बार के बाद जो पाँचवीं बार आएगा, फिर आठवीं के बाद नौवीं बार जो आएगा रिपीट करेगा, करते करते ये तो ख़त्म हो गया, जो बचा वो यही बचेगा यूनिट डिजिट। तो हमारा क्या होगा इसके बारे में अगर सोचा जाए, तो ये यूनिट डिजिट की अगर बात करें तो यूनिट डिजिट में 55 पे पावर क्या बचेगा, बस 1, क्योंकि ये तो इसके बाद तो रिपीट करने वाला है, प्लस उसके बाद क्या होगा बोलिए, दूसरा वाला नंबर लेते हैं, इसको उतार सकते हैं आप, दूसरा क्या है 5810, 5810, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4×4 18, 4×4 16, 2 ठीक है, 1×4 5 20, 1 0 4×4 4×2 8 2, तो ये कितना आ गया बताइए 2, दैट इज़ इसको लिख सकते हैं 105810 को लिख सकते हैं 1452 इंटू 4 प्लस 2, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, ये बेसिकली यूनिट डिजिट की बात करें 73 रेज टू द पावर ऑफ क्या बचेगा 2 ही बचेगा। आई थिंक आपको बात समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्या 853, 853 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से, 4×5 20, 4×4 2 8 05, 4×4 1 3 4×3 12, 3×2 1, तो 1 बचा वही 853 बराबर 213, लिख देता हूँ 213×4 + 1, इसमें भी क्या बचेगा यूनिट डिजिट में, मतलब यही वाली बात बचेगी 22 पे पावर क्या हो जाएगा 1। अगर ये थ्योरी पता है आपको तो बहुत ईजी है, नहीं पता है तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिर अब बताइए 55 पे पावर 1, 5 पे पावर 1 यहाँ भी यूनिट डिजिट 5 ही बचेगा, 3×2 9 बचेगा, 2×1 2 हो जाएगा, 9×2 11 5 क्या होगा 16, अब 16 में यूनिट डिजिट क्या बताइए 6, तो आंसर होगा आपका 6। उतार लें
इसको एक अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है। डाली 1 2 3 वैसे मिटाना शुरू कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 हो गया, क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है द वैल्यू ऑफ 3/4 +5/36 +7/144 --... इस तरह से एक पैटर्न है। 17/5/1/8/4 +19/81/100 ऑप्शन गिवन है 0.95, ऑप्शन 2 है 0.98, ऑप्शन 3 है 0.99, ऑप्शन 4 है 1। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका एक पैटर्न है, वैसे मैं इतना बता नहीं पा रहा हूँ, मतलब बताऊंगा नहीं आपको, बस यूँ समझ जाएं। आपको कुछ ना कुछ तो ढूंढना पड़ेगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। इसका बेसिकली वैल्यू निकाल के जोड़ना बहुत मुश्किल है, जब तक पैटर्न नहीं मिलेगा बड़ा मुश्किल होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/4 बेसिकली 1 - 1/4 1 - 1/4 देखिए 4 के 4 4 में 1 गया 3 3/4 आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करें तो वही आ जाएगा, तो 1 - 1/4 बेसिकली क्या है ये 1/, चलिए इसको समझा देंगे, ये क्या 1/1 स्क्वायर -1/2 स्क्वायर। इसी तरह से 5/36 को लिख सकते हैं 1/4 1/2 स्क्वायर -1/3 स्क्वायर। देखिए 9 चौक 36, 9 में 4 गया 5। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा पैटर्न, देखिएगा लास्ट में आपका 19/8100 है। तो ये 1/ क्या होगा, बीच में और भी आएगा, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ, लास्ट वाला ले रहा हूँ सीधे। तो 1/ क्या हो जाएगा बताइए, लास्ट में आएगा 1/10 स्क्वायर 1/100 या 1/81 9 स्क्वायर 8100 100 - 81 क्या आएगा 19/100। सॉल्व करके देखिए वही आएगा। अब क्या होगा यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें तो 1/4 माइनस में 1/4 प्लस में कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 1/9 माइनस में एक प्लस में आएगा यहाँ पे। इसी तरह से कटते कटते 1/81 कैंसिल, बचेगा कौन, फर्स्ट और लास्ट, जो क्या होगा 1 - 1/100 100 में 1 गया 99/100 तो आंसर होगा 0.99। तो हम टिक मारते हैं, आंसर क्या होगा हमारा 0.99 उतार लें। चलिए 42 हो गया, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, 43 कह रहा है फॉर रियल वाई द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन अंडर रूट वाई +3 +√y = 1 इज number 1 0, number 2 1, number 3 2, number 4 4। तो सॉल्यूशंस कितने सारे सॉल्यूशंस हैं इसके। अगर इसको सॉल्व करने की ऐसे भी कोशिश करें, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे y का, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे, अगर मान लेते नेगेटिव में पुट करें तो यहाँ तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है। तो जो भी पुट करेंगे जीरो मिनिमम पुट कर सकते हैं, और 3 का जो स्क्वायर रूट होगा वो तो 1 से बड़ा होगा, ये भी 1 से बड़ा होगा, तो 1 से बड़ा प्लस 1 से बड़ा 1 तो हो ही नहीं सकता। ऐसे ही लग रहा है कि सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आई बात मेरी तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे होगा अंडर रूट वाई +3 = 1 -√y। इधर भी स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं, इधर भी स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं, तो बचेगा वाई +3 = 1 -√y +y। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो क्या वाई वाई क्या हो जाए कैंसिल, -√y पर आएगा तो √2√y के 1 में 3 या -2 कैंसिल, तो √y बराबर क्या हुआ -1। और स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज नॉट कैन नॉट बी नेगेटिव, पॉसिबल नहीं है, ये एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। आई थिंक ये बात समझ आई होगी। 44 बनाते हैं, समझ आएगा आपको, इसको उतार लें पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 ओवर, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, 44 कह रहा है कि द पॉलीनोमियल
एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर हैज़ मिनिमम वैल्यू व्हेन एक्स इज इक्वल टू व्हाट. ऑप्शन है 40, ऑप्शन टू है 20, ऑप्शन थ्री है 10, ऑप्शन फोर है 2.5. अभी तक मुझे इस क्वेश्चन के बारे में जो समझ आया, आपके लेवल के अकॉर्डिंग, मतलब आप जिस स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं 9th या 10th में, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको जैसे हीट एंड ट्रायल देखना पड़ेगा. 40 फुट करेंगे, 40 में 39 का स्क्वायर बहुत भारी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा. इसका भी 20 में गया कितना होगा, 19 का स्क्वायर, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा. 10 में करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सही वैल्यू लगता है वो ढाई लगता है. ढाई सबके क्लोज है, उसका स्क्वायर करेंगे तो बहुत ज़्यादा 1 से बड़ा नहीं होगा, और 1 से ज़्यादा बड़ा नहीं है तो उसका स्क्वायर भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा. तो मिनिमम वैल्यू 2.5 में मिलेगा. लेकिन अगर मिनिमम वैल्यू निकालना है, अगर आप डिफ्रेंशिएशन जानते हैं, तो एफ डैश एक्स एक्स निकाल के निकालना पड़ेगा. एफ डैश कितना होगा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, 2x-1 टू द पावर 1 हो जाएगा, प्लस 2x-2. जिनको आता है डिफ्रेंशिएशन उसी के लिए ये, वरना आप यूँ समझ हीट एंड ट्रायल से कर सकते हैं. सबसे कम वैल्यू इसी से निकलेगा इन चारों ऑप्शन में. टू कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, x-1 प्लस x-2 प्लस x-3 प्लस x-4, तो 2xx. देखिए मैक्सिमम वैल्यू तो मिलते जाएगा इसका, जितना चाहिए उतना बड़ा वैल्यू होगा, छोटा से छोटा वैल्यू आपको निकालना है. एक्स 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 4x माइनस 2 1 3 3 6 4 दस, दो और कॉमन होगा 4, 2x-5. अब इसमें देखना पड़ेगा इसका डबल डैश, मतलब और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. 4 का 4 बाहर रह जाएगा, 2 × x 2 हो जाएगा, -0, 4 × 2 = 8 पॉजिटिव आ रहा है. जब डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है तो मिनिमम वैल्यू मिलता है, और कब मिलता है, जब उसका स्लोप को हम जीरो करते हैं. दैट इज़ तो 4 × 2x-5 = 0, दैट इज़ 2x-5 = 0/4, या 4 0 हो नहीं सकता तो 0 ही आ जाएगा यहाँ पे. 2x बराबर क्या होगा, 5, तो x का वैल्यू आया 2.5. तो ये प्रूफ भी हो गया कि एग्जैक्टली 2.5 में ही मिनिमम वैल्यू मिलता है, उससे नीचे और कोई वैल्यू मिनिमम नहीं होगा. फिर वो वैल्यू और बढ़ जाएगा, फिर इससे कम भी लेंगे तो बढ़ेगा, उससे आगे भी लेंगे तो बढ़ेगा. ये क्वेश्चन हो सकता है आपको नहीं समझ आया, आप हीट एंड ट्रायल से कर सकते हैं, मतलब इसका सोल्यूशन जो हमने कहा. चलिए हटा दूँ, 44 हो गया, 45. अब ट्रिगोनोमेट्री पे क्वेश्चन है. 45 क्या कह रहा है, ये कह रहा है, सॉरी ट्रिगोनो नहीं है, इफ़ द रूट्स रूट्स पे सॉरी इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस पी बराबर 0 डिफर बाई अ कॉन्स्टेंट एंड पी इज नॉट इक्वल टू क्यू, देन पी प्लस क्यू का वैल्यू कितना होगा. नंबर 1 -1, नंबर 2 1, नंबर 3 2, नंबर 4 नहीं. तो आप देखिए रूट्स, थोड़ा मुझे समझने में परेशानी हुई इसका लैंग्वेज, बट ये कहना ये चाह रहा है, जैसे मैं लूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस क्यू बराबर 0, तो इनके रूट्स क्या होंगे, -2p - b प्लस -b² - 4ac, 2p का स्क्वायर 4p² - 4ac, 4 × 1 × q 4q, बटे क्या होगा 2 × 1 = 2 अगर आपको आता है सारी चीज़ें. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, -2, देखिए 4 कॉमन ले लेंगे, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा बाहर, -2p, या रहने दीजिए कोई दिक्कत है नहीं, हाँ कर ही लेते हैं. 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, p² - q/2, 2 कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, -p + -√p² - q, ये फर्स्ट का रूट है. दूसरा का देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2qx + p = 0, तो क्या होगा, x का वैल्यू -2q + -√4q² - उसी तरह से होगा 4p/2, इसको भी सॉल्व करेंगे तो -2q + -√q² - p/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -q + -√q² - p. इनके भी दो रूट्स हैं, इनके भी दो रूट्स हैं, वो जो आपस में दोनों रूट्स हैं वो
वो एक कांस्टेंट से डिफर कर रहा है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ एक है माइनस पी प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू का रूट, दूसरा क्या है माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू का रूट, ये जो डिफरेंस इसका भी क्या है क्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस पी, पी पी क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस में प्लस ये डबल हो जाएगा, दैट इज़ ये हो जाएगा टू अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस क्यू बराबर क्या हो जाएगा के, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऐसा, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो फोर पी स्क्वायर माइनस क्यू बराबर के, ये आपका थर्ड हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी होगा माइनस क्यू प्लस अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी एक रूट होगा, दूसरा माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी दूसरा रूट होगा, ये भी डिफरेंस कितना होगा के होगा, क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा टू अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी बराबर के, इसका भी स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए फोर क्यू स्क्वायर माइनस पी बराबर के। तो अगर देखें थ्री और फोर को तो दोनों कांस्टेंट है के, दोनों क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। तो अब मैं कहाँ पे लिखूँ, दोनों बराबर हो जाएगा दैट मीन्स यहाँ पे लिख देता हूँ फोर पी स्क्वायर माइनस क्यू बराबर फोर क्यू स्क्वायर माइनस पी, फोर फोर कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पाएगा तो माइनस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू बराबर क्या हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू क्यू माइनस पी, तो ये हो जाएगा पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू बराबर, यहाँ क्यू माइनस पी माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू पी माइनस क्यू कैंसिल, यहाँ माइनस वन बचेगा दैट इज़ पी प्लस क्यू बराबर माइनस वन, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन वन। थोड़ा सा गंदा हुआ लेकिन मैंने चूंकि प्रोसेस से किया, आप दोनों को बराबर कीजिए पी और क्यू का जोड़ निकल के आएगा माइनस वन, ठीक है उतार लें इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन, तो चाहिए देन कॉस 12 थीटा प्लस 3 कॉस 10 थीटा प्लस 3 कॉस 8 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा बराबर क्या होगा, ऑप्शन है साइन थीटा, ऑप्शन टू है कॉस थीटा, ऑप्शन थ्री है ज़ीरो, ऑप्शन फोर है वन। देखते हैं मैंने सॉल्व करा, थोड़ा लेंदी है। अब बताइए यहाँ पे ये गिवन है वो निकालना है, तो साइन थीटा बराबर तो समझ आ रहा है वन प्लस साइन स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो सिचुएशन के हिसाब से हम पुट करते जाएंगे, कॉस टू द पावर 12 थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा उस पर पावर 6 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा उस पर पावर 5 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा उस पर पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उस पर पावर 3। और कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है साइन के, तो थोड़ा सा ये आसान हो जाएगा साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा साइन पे पावर 5 थीटा प्लस 3 साइन पे पावर 4 थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। इसको अगर देखें 3 यहाँ पे मैं अगर ले हूँ साइन 6 थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, पहला लास्ट को एक साथ कर दिए प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा अगर कॉमन ले लें तो यहाँ साइन क्यूब थीटा कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा साइन थीटा और यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या गिवन है वन, क्या गिवन है वन, दैट इज साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस क्या हो जाएगा 3 साइन क्यूब थीटा, चार ही ऑप्शन है ना, हाँ ठीक। अब साइन क्यूब थीटा 3 साइन क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा क्या हो जाएगा बताइए 4 साइन क्यूब थीटा, इतनी बात समझ आ रही होगी, यहाँ साइन टू द पावर 6 थीटा
तो नोट डाउन करें, मैं भी देख लूँ थोड़ा। चलिए तो अब क्या होगा, साइन टू द पावर सिक्स थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा उस पर पावर थ्री प्लस फोर साइन क्यूब थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, वन माइनस साइन थीटा। यहाँ पे देखेंगे तो वन माइनस साइन थीटा उसका क्यूब प्लस फोर साइन क्यूब थीटा। अब क्या फार्मूला है, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब दैट इज वन माइनस साइन क्यूब थीटा माइनस थ्री साइन थीटा प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस फोर साइन क्यूब थीटा। तो क्या हो जाएगा बताइए, माइनस थ्री साइन थीटा प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा, फोर साइन क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, कितना हो जाएगा, थ्री साइन क्यूब थीटा माइनस थ्री साइन थीटा प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन माइनस थ्री कॉमन ले लें अगर, तो क्या हो जाएगा खुद बताएं, थ्री साइन स्क्वायर थीटा। रुक जाए, मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम ये कह रहे थे कि चार साइन क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा क्या होगा, प्लस थ्री साइन क्यूब थीटा। अब प्लस थ्री साइन क्यूब थीटा प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लेते हैं, प्लस थ्री साइन थीटा। यहाँ क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस, यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस थ्री साइन थीटा। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना है, वन है। ये हो जाएगा वन प्लस थ्री साइन थीटा माइनस थ्री साइन थीटा, कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर होगा वन। आप भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी है, दौड़ लें इसको। चलिए 46 हो गया, 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, एक बैग है, क्या है बताइए, एक बैग है कंटेनिंग 100 टिकट्स, कितना टिकट्स, 100 टिकट है इसमें। 100 टिकट की अगर बात करें, इसमें नंबरिंग क्या हुआ, 1 2 3, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, बस ऐसे लिख रहा हूँ। वन टिकट इज ड्रॉन, एक निकाला गया। इफ द नंबर ऑन द टिकट इज एक्स, क्या लिया गया, एक्स, और बोला है कि एक्स प्लस वन बटे एक्स ग्रेटर देन टू होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। नंबर वन ऑप्शन है 0, ऑप्शन टू है 0.99, ऑप्शन थ्री है 1, ऑप्शन फोर है नन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 100 टिकट्स हैं जिसमें 1 से लेकर 100 तक लिखा हुआ है, उसमें एक टिकट एक्स निकाला गया, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स ग्रेटर देन टू, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर देन टू एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, या बोलेंगे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो इस सिचुएशन में एक्स किससे बड़ा हुआ, वन से बड़ा हुआ, माइनस वन से छोटा ले सकते हैं, मतलब वन पुट करेंगे अगर, यहाँ वन पुट वन में उनका जीरो हो जाएगा, जीरो के बराबर नहीं है, जीरो से बड़ा है, या तो वन से कम पुट करें या वन से ज़्यादा पुट करें, वन से कम यहाँ पे चांस ही नहीं है। तो जो भी ऑप्शन है उसके हिसाब से वन से बड़ा होगा, वन तो नहीं ले सकते। तो बचा कितने सारे, टू से लेकर हंड्रेड तक बताएं, 99। तो 99 ओवर टोटल कितना, 100, तो आंसर होगा 0.99। ताड़ ले, चलिए ये क्वेश्चन हो गया 48 में क्या बोल रहा है, 48 में कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ के, के का वैल्यू क्या होगा, इसमें 3x प्लस y बराबर 1 और 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1, बोला है नो सॉल्यूशन।
क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। नंबर वन माइनस टू, नंबर टू प्लस टू, मतलब पैरेलल हो जाएगा दोनों लाइंस। नंबर थ्री माइनस थ्री, नंबर फोर प्लस थ्री। इसको सॉल्व करें, अगर आपको नो सॉल्यूशन का फंडा पता होगा तो ये होगा इनका, इसका कोई थ्री, इसका कोई टू के माइनस वन इज इक्वल टू वन बटे के माइनस वन इज नॉट इक्वल टू एक बटे टू के प्लस वन, ऐसा होता है। और अगर अगर इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा सब बराबर हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा यहाँ बराबर नहीं होगा। इसको सॉल्व करते हैं, थ्री के माइनस थ्री बराबर टू के माइनस वन, तीन के माइनस दो के बराबर माइनस वन, प्लस तीन में गया क्या हो जाएगा दो, तो आंसर होगा प्लस टू। आप काउंटर चेक भी कर सकते हैं ये दोनों बराबर नहीं करके, कि अगर k का वैल्यू टू के बराबर नहीं होगा तो यहाँ ऑप्शन मैच नहीं करेगा, लेकिन हमने देख लिया है, आप करके देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करूँ एक बटे के माने टू के प्लस वन इज नॉट इक्वल टू के माइनस वन, टू के माने के माइनस वन, माइनस वन इज नॉट इक्वल टू क्या, माइनस टू हो रहा है, इज नॉट इक्वल टू टू नहीं आ रहा है, तो टू ले सकते हैं। आई थिंक ये बात आपको समझ आएगी। 48 का आंसर होगा टू। 49 में इफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर 1 2 4 माइनस एंड 3 5, उसमें निकालना है तो एरिया निकालना है। क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप खुद कर लीजिएगा। एरिया उसका 12.5 स्क्वायर मीटर आता है जहाँ तक मैंने चेक करा है, ठीक है। 1 2 3 49, आज का लास्ट क्वेश्चन 49 में कर देता हूँ, वैसे करूँगा नहीं, बस क्वेश्चन लिखता हूँ 49, क्योंकि पेपर आपके पास नहीं होगा तो आप क्वेश्चन खोजे होंगे। इफ द वर्टिसेस, इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर 1, 2 4, -6 एंड 3, 5, देन नंबर वन ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया निकल के आया 12.5 स्क्वायर यूनिट। नंबर थ्री डू नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। नंबर फोर नन, तो आपको ये समझना है, एरिया निकाल के देखना है। एरिया अगर ज़ीरो आ जाए तो समझ जाए कोलिनियर होगा, वो ट्रायंगल बना नहीं सकता। और एरिया अगर ज़ीरो नहीं आ रहा है, एरिया निकाल के हमने देखा, फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस, या मोड लगाते हैं, प्लस एक्स टू, इस तरह से एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री, ठीक है ना। एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, इस तरह से अगर आप निकालेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 12.5 स्क्वायर यूनिट का आंसर होगा ये। आप देख सकते हैं, अगर मैं गलत हूँ तो आप चेक कर लेंगे खुद, क्योंकि आपके पास इसका क्या पता है। 50 में लगता है इसमें कुछ डेटा में प्रॉब्लम है, देख लीजिएगा। 51 अभी नहीं बनाएंगे, 52 बन जाएगा। और भी क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस पे नेक्स्ट हम एक पार्ट लेके आएंगे, उस पार्ट पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, थैंक यू वेरी मच।